नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा। आज की भागदौड़ वाली जीवन शैली में कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं और इस लापरवाही का खामियाजा हमको अधेड़ उम्र आते आते महसूस होने लगता है, जब कई सारी बीमारियां हमको घेर लेती हैं। उन्हीं में से बोन से रिलेटेड कई सारी डिजीज हैं और आमतौर पर जो नी रिप्लेसमेंट के केसेज आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पर सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर धीरज दुबे, जो राजधानी जयपुर के शेल्बी हॉस्पिटल में है और इन्होंने कई अचीवमेंट्स हासिल किए हैं नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, जैसे कि 21,000 से ज्यादा ये रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। इसके अलावा 21 एक दिन में 21 रिप्लेसमेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट करने का जो लक्ष्य है वो भी इन्होंने हासिल किया है। इसके अलावा सेंट्रल मिनिस्ट्री से इनको नॉर्थ इंडिया के बेस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट का अवार्ड भी इनको मिल चुका है। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब जनता दरबार में। और हमारा सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि किस तरह के पेशेंट सबसे ज्यादा आते हैं? देखिए, एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन मेरे पास नॉर्मली ओपीडी में जो सबसे ज्यादा कॉमन पेशेंट्स आते हैं वो एक तो नी जॉइंट के पेन के और दूसरा कमर दर्द, ये सबसे कॉमनली कंप्लेंट्स जो मिलती है लोगों में आजकल देखने को, वो इस तरह के पेशेंट्स नॉर्मली मेरी ओपीडी में रहते हैं। अभी तक जो आप शैली हॉस्पिटल में हैं तो खासतौर से नी रिप्लेसमेंट की जहाँ तक बात है या हिप रिप्लेसमेंट की बात है, लोगों को डर है अभी भी कि नी रिप्लेसमेंट होने के बाद इन फ्यूचर उनके साथ और प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर उनको दोबारा से रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। इस वजह से नी रिप्लेसमेंट को ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के लोग, उनको क्या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही समझाना चाहूँगा कि आपको ऐसी नौबत ही ना आए कि नी रिप्लेसमेंट कराना पड़े। उसके लिए बहुत सारी डेली रूटीन में चीज़ें होती हैं जिसपे हम शायद आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्या डेली प्रोटोकॉल अपने को फॉलो करने चाहिए, क्या चीज़ें हमें हैं जो अवॉइड करें या क्या न्यूट्रिशन लें। बट हाँ, अगर स्टेज फोर है तो हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत सारे मिथ्स भ्रांतियाँ हैं जो पहले हुआ करती थी कि रिप्लेसमेंट की लाइफ 3-4 साल है, रिविजन नहीं हो सकता, हम आलती पालती नहीं मार सकते। अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, अच्छे इम्प्लांट्स आ गए हैं, स्पेशली जो टेक्निक मैं यूज करता हूँ जीरो टेक्निक विद फास्ट ट्रैक रिहेबिलिटेशन, 15-20 मिनट की सर्जरी रह गई है, सेम डे से चलना फिरना शुरू, 30 दिन पेशेंट घर जा सकता है, पेशेंट जमीन पर बैठ सकते हैं, स्टेज कर सकते हैं, अपने सारे रूटीन एक्टिविटीज कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। तो अभी अगर सर्जरी की स्टेज है तो हमें कराना है, तो फिर हमें डरना नहीं है, लेकिन उससे पहले हम वही चीजें ध्यान रखें कि हमें उस स्टेज तक पहुंचना ना पड़े। अच्छा, क्या भविष्य है नी रिप्लेसमेंट का अगर बात करें? सर देखिए, नी रिप्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है कि आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, अब अगर उसको घुटने जवाब देगा या घुटनों में दर्द है, वो चल नहीं पा रहा, तो वो हैंडीकैप फील करता है, क्योंकि लाइफ इज मूवमेंट एंड मूवमेंट इज लाइफ, अगर आप चलेंगे नहीं तो लाइफ का कोई मतलब नहीं है। आप ऊपर से बिल्कुल स्वस्थ हो, आपका हार्ट ठीक है, आपको डायबिटीज नहीं, बीपी नहीं, बट आपके घुटने में अगर आर्थराइटिस हो तो आप चल फिर नहीं पाएंगे, आप बिल्कुल हैंडीकैप फील करेंगे। तो ये जो सर्जरी है ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए है, ये कोई बीमारी नहीं है, आर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है, बीमारी तो होती है हार्ट में ब्लॉकेजेस होना, बीपी, डायबिटीज, ये बीमारी नहीं है, ये एज के साथ होने वाली चीजें हैं, मोतियाबिंद होता है, बाल सफेद होते हैं, ऐसे ही हमारे घुटने में भी जिसको हम लेमेन में बोलते हैं ग्रीस कम होता है या आर्थराइटिस होता है वो होता है। तो अगर ये एज के साथ हो गया है और आप स्टेज फोर में है तो आप ऑपरेट कराइए, क्योंकि इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाएगी। आपको आप देखेंगे नहीं, अगर आप पेशेंट्स के रिव्यूज या वीडियोज देखेंगे मेरे फेसबुक और यूट्यूब पे, तो पेशेंट ऑपरेशन के बाद इतने खुश है कि वो जो जैनियों में तीर्थ शिखर संबंध वहां के सारे सीढ़ियां चढ़ के जा रहे हैं, वैष्णो देवी स्टेयर्स करके जा रहे हैं, लोग योगा कर रहे हैं आफ्टर ऑपरेशन, और खुद बिना चला के बिना बताए हुए अपने वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर डाल रहे हैं। तो बहुत ही अमेजिंग सर्जरी है एंड ऑर्थोपेडिक्स की मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी है। डॉक्टर साहब, कई तरह के जो आर्थराइटिस के केसेस बढ़ रहे हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट की प्री जो स्टेज यही होती है, उसको किस तरह रोका जाए ताकि ये नौबत नहीं आए कि जॉइंट रिप्लेसमेंट तक बात पहुंचे? नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक्चुअली आर्थराइटिस एक बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है। आर्थराइटिस मींस, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो ग्रीस का कम होना, जिसे लोग बोलते हैं कि ग्रीस कम होना या गैप आ जाना या कार्टिलेज का घिस जाना। बेसिकली हमारे हर जॉइंट के बीच में कार्टिलेज या गद्दी होती है, उस गद्दी के घिसने को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होता है डीजनरेटिव आर्थराइटिस जो उम्र के साथ होता है, जैसे हमें कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद होता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स होता है, इसी तरह से एक जैसे जैसे बढ़ती है आपको घुटनों में या जोड़ों में दर्द होना शुरू होता है, उसको हम बोलते हैं डीजनरेटिव आर्थराइटिस जो बहुत कॉमन है, जिसकी हम ज्यादातर चर्चा करते हैं। दूसरा होता है गठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, वो नॉर्मली आपके जीन्स में चलता है, आपके फैमिली से वो ट्रांसमिट होता है और बहुत अर्ली एज में हो जाता है, वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है।
तो वो डिजीज बिल्कुल अलग है। हम अभी जो ज्यादातर जो कॉमनली हमें देखने को मिलता है दैट इज डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, उसकी हम बात कर रहे हैं। और इसके होने के बहुत सारे रीजन है। मेन रीजन तो है कि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है तो होगा, उसको आप नहीं रोक सकते, बट आप बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी है जो कि अगर हम डेली रूटीन में अवॉइड करें या कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जिनको हम फॉलो करें तो इस स्टेज को हम बहुत हद तक डिले होने से आने से रोक सकते हैं और अपनी सर्जरी को टाल सकते हैं। जैसे किस तरह के न्यूट्रिशंस हैं जिनका उपयोग करके इससे बचा जा सकता है? और एक और सवाल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का आप नाम ले रहे थे जो काफ़ी कम एज में ये हो जाता है, इससे किस तरह बचा सकता है या होने के बाद किस तरह क्या इसको क्योर किया जा सकता है? ठीक, सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि अगर डिजेनरेटिव आर्थराइटिस हमको है, हमारे जोड़ घिसने वाला जो मैंने समस्या बताया, नॉर्मली क्या होता है आप देखेंगे पहले लोगों के 60-70-80 के एज में नी आर्थराइटिस होता था और हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ता था। अभी हम देख रहे हैं कि 35-40 ईयर्स की एज में भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। हर बीमारी के दो तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक रिस्क फैक्टर वो होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। एक रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसे रिस्क फैक्टर जिनको हम चेंज नहीं कर सकते उनको हम नहीं बदल सकते, जैसे फीमेल होना, बीइंग अ फीमेल इज अ रिस्क फैक्टर फॉर आर्थराइटिस। अगर आप फीमेल है तो आपका जेनेटिक मेकअप इस तरीके का होता है कि आपको आर्थराइटिस मेल से ज्यादा होगा। सेकंड, अगर आपकी हेरिडिटरी है जिसमें आपको गठिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो काफी चांसेस है कि वो आपको होगा। तो ये दो रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप फीमेल हैं आप चेंज नहीं कर सकते, आपके हेरिडिटरी आप चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ दूसरे रिस्क फैक्टर्स डेली रूटीन में जो हम होते हैं वो चेंज कर सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा हम बार बार स्टेयर्स बहुत यूज करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि स्टेयर्स अगर हम यूज करेंगे तो हमारा बॉडी, हमारा हार्ट वगैरह सब हेल्दी रहेगा। ये बिल्कुल सही है कि आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, बट स्टेयर्स को बार बार करने से या जमीन पे उठने बैठने से आपके नीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। आपकी अगर एक इंसान की बॉडी का वेट 50 kg है तो जब आप बैठ के जमीन पे उठते हैं तो 50 × 7 अराउंड 350 kg वजन आपके घुटनों पे पड़ता है। आप देखिए अगर उस 350 kg वजन को आप बार बार करेंगे तो आपके घुटनों की क्या हालत होगी। तो बार बार सीढ़ियां चढ़ना उतरना और बार बार जमीन पे उठना बैठना, ये दो चीजें मेन है जो आपको नॉर्मली डेली रूटीन में अवॉइड करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सीढ़ी नहीं चढ़नी है, जैसे ही आपको लगे कि आपके नी में पेन स्टार्ट हो गया है सीढ़ी चढ़ने उतरने में, आपको स्टेयर्स अवॉइड करनी है, आपको दूसरे ऑप्शंस उसके यूज करने हैं। सेकंड, आपने मेरे से सवाल पूछा न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, तो न्यूट्रिशन में ऐसा है कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, क्योंकि किसी भी बॉडी की जितना भी डिजेनरेटिव प्रोसीजर होता है, चाहे बाल सफेद होना हो, मोतियाबिंद हो, हार्ट अटैक्स हो या आर्थराइटिस हो, उसमें बॉडी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अपन देखेंगे जब बॉडी का ऑक्सीडेशन होता है, जैसे लोहे का ऑक्सीडेशन होता है तो जंग लग जाती है, ऐसे जब बॉडी का ऑक्सीडेशन होता है तो उसका डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेनी है। एंटीऑक्सीडेंट्स में विटामिन ई बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो फिश ऑयल में नॉर्मली होता है, विटामिन ई के कैप्सूल्स भी होते हैं। विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं जैसे लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, इनके अंदर विटामिन सी होता है। अब विटामिन सी की गोलियां भी आती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, नट्स होते हैं, जो अखरोट वगैरह जो होते हैं वो आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, तो ये चीज़ अगर आप डेली रूटीन में लेंगे तो आप बहुत हद तक अपने बॉडी के जॉइंट्स के ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं और आर्थराइटिस को डिले कर सकते हैं। एक यूरिक एसिड की समस्या आमतौर पर बढ़ गई है अचानक से, जो खान पान और जीवन शैली के चलते, इसको भी एक वजह माना जाता है कि इससे बाद में गठिया हो जाता है और रिप्लेसमेंट की स्थिति आ जाती है। गठिया, तो देखिए गठिया बिल्कुल डिफरेंट थिंग है, गठिया तो अलग चीज़ है। गठिया में तो आपके हाथ पैर सब टेढ़े हो जाते हैं, वो मल्टीपल, इनफैक्ट गठिया जो है वो जोड़ों की बीमारी नहीं है, गठिया पूरे शरीर की बीमारी है। वो आपकी आंखों को भी परेशान करता है, आंखों को भी डैमेज करता है, किडनी को भी करता है, जोड़ों को भी करता है। यूरिक एसिड इज डिफरेंट थिंग। यूरिक एसिड एक नॉर्मल बाय प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में। जब हम कुछ भी प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं, स्पेशली प्रोटीन में भी जो प्यूरीन रिच प्रोटीन, प्यूरीन इज अ केमिकल सब्सटेंस होता है, जब उस प्यूरिन का बॉडी में डिग्रेडेशन होता है, उसका डाइजेशन होता है, तो उससे यूरिक एसिड बनता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर इंसान के शरीर में होती है। यूरिक एसिड बॉडी में तब बढ़ता है जब या तो उसका बनना ज्यादा हो जाए या उसका किडनी से निकलना कम हो जाए। ये दोनों कारण होते हैं कि यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है। यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर वो बॉडी में बढ़ता है तो आपके जॉइंट्स में जमा हो जाता है, और जॉइंट्स में अगर यूरिक एसिड जमा होता है तो वो आपके जॉइंट्स को डैमेज कर सकता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको यूरिक एसिड ज्यादा रहता है उनको अपने जॉइंट्स की स्पेशल केयर करनी पड़ती है, कुछ डाइट मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं ताकि वो यूरिक एसिड जॉइंट्स में जमा ना हो, क्योंकि अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको आर्थराइटिस होने के चांसेस जल्दी रहते हैं। अच्छा, अक्सर ये भी सुनने में आता है डॉक्टर साहब कि जो जिम में जो यूथ जा रहा है, कई तरह की वेट लिफ्टिंग वगैरह, वेट उठाने का जो काम करता है, उससे कहीं ना कहीं घुटनों पर, जॉइंट्स पर बहुत प्रेशर पड़ता है,
तो उनको क्या कहेंगे आप? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि एक्चुअली क्या है कि अभी देखेंगे लोग हेल्थ कॉन्शियस काफ़ी हो गए हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन एक्सरसाइजेज हर आदमी के लिए कॉमन नहीं हो सकती। आपके लिए जो एक्सरसाइज फ़ायदा करेगी वो ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए फ़ायदा करे। तो अभी क्या है कि अभी ऐसे भेद चाल है कि हम लोग एक ही चीज़ कर रहे हैं। मैं जिम में, मैं भी जिम जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कई लोग जो हैवी वेट हैं अपने ओबेसिटी या मोटापे को कम करने के लिए वो ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहे हैं, 7-8-10 की स्पीड में इंक्लाइन कर रखा है, स्क्वाट्स कर रहे हैं, उनके घुटने में दर्द हो रहा है फिर भी वो करे जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड। उनको नहीं पता कि वो पेशेंट मेरे पास आने वाले हैं रिप्लेसमेंट कराने के लिए फ्यूचर में। सो आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके वेट के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी है। स्पेशली ट्रेडमिल पे भागना अगर आपके जॉइंट्स में पेन है तो अच्छा नहीं होता, आप ट्रेडमिल यूज ना करें। अगर आपको करना ही है ट्रेडमिल तो उसको बहुत मिनिमल 4-5 की स्पीड पर रख के उसको इंक्लाइन कर लें। स्क्वाट्स जो करते हैं नीचे बैठना उठना बार बार हैवी वेट के साथ, वो आप अवॉइड करें अगर आपके जॉइंट्स में पेन है तो ये दो एक्टिविटी आप अवॉइड करें अगर आपके जॉइंट्स में पेन है तो। ऐसा नहीं कि जिम में आप जा रहे हैं तो स्टेयर्स कर रहे हैं, ट्रेडमिल्स कर रहे हैं, ये आपको चेंज करना पड़ेगा आपके ट्रेनर से गाइडेंस लेके। अरे, एक रोबोटिक सर्जरी का भी जिक्र होता है कि आजकल जो जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर, तो उसको किस क्या कहना चाहिए? देखिए, रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जितनी साइंस डेवलप हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, उनका मेडिकल फील्ड में काफ़ी यूज़ हो रहा है। रोबोट्स का रोल मैं अगर मानूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ और जो हमारे हॉस्पिटल में जो हमारे डॉक्टर विक्रम शाह सर हैं जिन्होंने मेरे को सिखाया है, उनके एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, तो रोबोट्स का रोल जॉइंट रिप्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा नहीं है। हम पर्सनली रोबोट्स यूज़ नहीं करते जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए। रोबोट्स नॉर्मली हम वहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ यूज़ होता है उन सर्जरी में, लाइक ब्रेन में सर्जरीज हैं, पेट में सर्जरीज हैं, जहाँ पे आपको मिनिमल इंसिजन चीरे से जाना है अंदर, आपको आपके आंखों के सामने डायरेक्ट वो चीज़ नहीं आ रही है। नी बहुत सुपरफिशियल जॉइंट होता है, आपने इंसिजन चीरा लगाया, आपको हड्डियाँ साफ दिख रही हैं। रोबोटिक्स का रोल मैं पर्सनली नहीं मानता कि जॉइंट रिप्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा है। आपने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं और हम तो यही चाहेंगे सफलता ही मिली है आपको सारे ऑपरेशन में। ओवरऑल अगर बात करें तो जो जॉइंट रिप्लेसमेंट में सफलता मतलब कितने रेट को अपन डिफाइन करेंगे? देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर मैं वैसे बोलूँ तो ऑर्थोपेडिक्स की सबसे सक्सेसफुल सर्जरी है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, क्योंकि इसको जब पेशेंट हमारे पास आता है तो चलने लायक नहीं होता, पैर उसके टेढ़े होते हैं, स्टेज 4 में आता है, क्योंकि हमारे इंडिया में इस चीज़ को बहुत नेगलेक्ट किया जाता है। और जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है तो इतना खुश होता है कि उसके पैर सीधे हो चुके होते हैं, वो बिना सहारे के चल पाता है, तो मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी है। लेकिन होता क्या है कि अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी अच्छी होने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अच्छे इम्प्लांट यूज़ होना और अच्छा सर्जन, क्योंकि ये हाथों की सर्जरी है, मैनुअल सर्जरी है, उसकी टेक्निक बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। अभी ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हर जगह हर कोने में हर हॉस्पिटल में लोग कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, उससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट्स के जो एग्जांपल सेट होते हैं वो नेगेटिव एग्जांपल सेट हो जाते हैं। मतलब उन लोगों को देख के लोग कि भाई जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बड़ा टर्म है, जॉइंट रिप्लेसमेंट बेसिकली सर्जन को डिफाइन नहीं करता कि भाई हमने घुटना बदलवाया खराब हो गया, लोग ये नहीं देखते कि उन्होंने कहाँ करवाया, किस सर्जन से कराया, क्या एक्सपीरियंस था क्या नहीं था। अगर आपके रिप्लेसमेंट अच्छे सर्जन द्वारा, एक्सपीरियंस सर्जन के द्वारा हो रखा है और अच्छे इम्प्लांट लगे हैं तो मैं मानता हूं कि इसको मैं 100% सक्सेसफुल सर्जरी बोलूंगा। तो ये थे डॉक्टर धीरज दुबे जिन्होंने कई चमत्कार किए हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर, और लगातार हमारी शुभकामना है कि ये और भी ज़्यादा इसमें बेहतर करें। फिलहाल हमारा यही कहना रहेगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी स्थिति नहीं आए, ऐसा जैसे कि डॉक्टर धीरज दुबे ने बताया, उसके लिए न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लें, कई प्रिकॉशंस जो बताई है उनका ध्यान रखें, और अगर ऐसी नौबत आ भी जाए तो डरे नहीं, क्योंकि 100% पूरे सक्सेस रेट इसकी 100% है और अब अत्याधुनिक तरीके से सर्जरी हो रही है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।